नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। इन दिनों पूरे विश्व भर में 40 दिन की उपवासकालीन प्रार्थना सभा सत्र का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर शरण स्थान चर्च मसीह समाज की ओर से 40 दिन की उपवासकालीन प्रार्थना सभाओं का चर्च में आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि इन 40 दिनों के उपवासकालीन प्रार्थनाओं के दौरान मसीह समाज के जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे। पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों के आधार पर बताया गया है कि इन 40 दिनों के उपवासकालीन प्रार्थना सभा सत्र के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन तक प्रत्येक मानव जाति के लिए उपवास में रहते हुए पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों का प्रचार किया। साथ ही मानव जाति को बचाने के लिए उपवास में रहते हुए उनके चंगाई और मानव कल्याण के लिए प्रार्थनाओं में रहते हुए 40 दिन का समय व्यतीत किया। शरणस्थान चर्च के डिकन वारिंगटन ए लाल ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 40 दिन की प्रार्थना सभा का सत्र राग के बुधवार से प्रारंभ होकर गुड फ्राइडे तक का समय मसीह समाज के लिए दुख भोग सप्ताह के रूप में व्यतीत किया जाता है। वहीं पाम संडे तक 40 दिन के उपवासकालीन प्रार्थना का समय पूरा होता है। इन 40 दिन के उपवासकालीन प्रार्थना के समय मसीह समाज उपवास में रहते हुए प्रार्थनाओं के साथ समय को व्यतीत करते हैं। वहीं उपवासकालीन प्रार्थना सत्र के दौरान पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करते हुए वचनों पर मनन और चिंतन करते हुए प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहते हुए 40 दिन का उपवासकालीन सत्र पूरा किया जाता है। वहीं जानकारी देते हुए बताया कि इन 40 दिनों में 2022 साल पूर्व की प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी और उनके वचनों पर चिंतन मनन करते हुए प्रत्येक मानव जाति के लिए उनके पापों की क्षमा के लिए प्रत्येक मानव जाति के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना बलिदान दिया ताकि प्रत्येक मानव जाति नाश होने से बचाया जा सके। वहीं आज से 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई बातों का स्मरण करते हुए प्रत्येक मसीह समाज अपने पापों से शुद्ध होकर प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित होकर 40 दिनों के उपवासकालीन सत्र के दौरान प्रत्येक मसीह समाज कलवरी क्रूस के लिए तैयार हो सके। आइए सुनाते हैं 40 दिन उपवासकालीन प्रार्थना सभा सत्र के दौरान चर्च में आयोजित प्रार्थना सभा, जिसमें वक्ता डीकन वारिंगटन ई लाल द्वारा पवित्र शास्त्र बाइबल से वचनों के आधार पर क्या कहा। प्रतिदिन नए नए वक्ताओं के द्वारा हम वचन को सुनते हैं और उससे आशीषित होते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद दिया चाहते हैं प्रभु कि आपने हमें ये समय दिया कि हम आपके वचनों के और दृष्टि कर सकें। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, जो कुछ भी आज के लिए आपने हमारे लिए वचन रख छोड़ा है प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई करके आप वो वचन हमारे सामने रखना प्रभु, ताकि हम उन वचनों को सुन सकें प्रभु जी। और ये वचन जो कि बोया जाता है प्रभु, हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण हो सके। पिता परमेश्वर, जितने उपस्थित हैं पिता, हर एक को नाम में नाम आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन में लिखा है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम जो कि मनुष्य हैं, हम जो इस संसार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जो कि हम परमेश्वर की सृष्टि हैं, वो हर समय हर परिस्थिति में, चाहे किसी भी प्रकार का वातावरण क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रकार की स्थिति क्यों ना हो, हम परमेश्वर के सन्मुख बने रहे हैं और उसको हर समय अपने जीवन के द्वारा धन्यवाद अर्पित कर सकें, क्योंकि परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम अपने जीवन के द्वारा उसको सदैव धन्यवाद 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 कहते रहें। चाहे ये समय हमारे लिए अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे किसी भी प्रकार की दुख की स्थिति में हम गुजर रहे हों, किसी भी परेशानी में होकर के हम गुजर रहे हों, किसी भी सताव में होकर के हम गुजर रहे हों, लेकिन परमेश्वर हमारा ये चाहता है कि हम उसके सामने सदैव धन्यवादी बने रहें, सदैव उसके नाम को धन्य कहते रहें। जिस प्रकार से दाऊद हर बात में परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता रहा, जिस प्रकार से हम देखते हैं उसके जीवन को उठा करके कि उसकी स्थिति किस प्रकार की रही, कई प्रकार की परेशानियों और कई प्रकार के सताओं में होकर के उसने जीवन जिया है, लेकिन फिर भी वो सदैव परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा। और जिस प्रकार से भजन संहिता 34 और पहला पद पढ़ते हैं तो वहां यही बात वो कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। वहीं आपको बता दें कि इन दिनों शरणस्थान चर्च परिसर में 40 दिनों के उपवासकालीन प्रार्थना सभा सत्र के दौरान छठवें दिन की प्रार्थना सभा चर्च में आयोजित की गई।
क्वायर टीम के द्वारा सुंदर गीतों को गाया गया। साथ ही 40 दिन की उपवासकालीन प्रार्थना अशोक नाकू, अर्पणा नाकू, विनोद केशिया, सुखलाल पटेल, श्रीमती अनीता मनोहर के परिवारों के बीच आयोजित की गई। वहीं पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों को सुश्री आयुष दास के द्वारा पढ़ा गया। वहीं प्रार्थना सभा का संचालन श्रीमती रश्मि जॉन के द्वारा किया गया। ये 40 दिन का जो समय होता है, हमारे गुड फ्राइडे का पहले के जो दिन होते हैं और जो राख का बुधवार होता है उससे आरंभ होता है, और ठीक जो गुड फ्राइडे के पहले का जो इतवार आता है वो पाम संडे खजूर का रविवार कहलाता है, और खजूर के रविवार तक 40 दिन पूरे हो जाते हैं। और इन 40 दिनों में हम मसीह लोग जो हैं वो उपवास अधिकतर रखते हैं और उपवास के साथ प्रार्थनाओं में रहते हैं और परमेश्वर की संगति में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अधिक से अधिक वचन को पढ़ते हैं। और इन दिनों हम हर दिन चर्च भवन में इकट्ठा होकर के प्रतिदिन वचन की बातों को सुन रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर रहे हैं। सर, ये 40 दिन का क्यों मनाया जा रहा है? सर, खास विशेष दिन क्या है? विशेष दिन ये है कि हम परमेश्वर को उन बातों को याद करते हैं इन 40 दिनों में, क्योंकि इसके बाद जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर अपनी जान को दी है। तो प्रभु चाहते हैं कि हम उस घड़ी को स्मरण करते हुए अपने आप को तैयार करें उस बात के लिए, और उपवास में और प्रार्थना में अपने जीवन को 40 दिन तक व्यतीत करें, क्योंकि हमारे प्रभु ने हमारे उद्धार कर्ता के रूप में होकर के उस क्रूस पर अपनी जान को दी है, उस बात को स्मरण करते हैं। सब ने इन 40 दिनों में उन सेवा कार्यों को किया है, और हर समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ये बात मालूम थी कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, सूली पर चढ़ाया जाऊंगा। इसलिए 40 दिन तक वो जेलों को इस बात का स्मरण कराते रहे कि तुम उस बात के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि उसके बाद जब क्रूस पर चढ़ाया जाएगा उसके बाद मैं मारा जाऊंगा और उसके बाद मैं वापस जी भी उठूंगा, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हारे साथ न रह करके